अभी हमारा टॉपिक होगा रामापिथेकस, जो कि शिवापिथेकस के बाद अगला ये एंसेस्टर है। जरा ध्यान दीजिएगा, रामापिथेकस भी पार्शियल अपराइट ही था, ठीक है। आप जरा ध्यान दीजिएगा, इसका जो क्रैनियल कैपेसिटी था, ग्रेविटी था, वो 350 था। शिवा का देखिए कितना था, शिवा का और ड्रायो का लगभग लगभग 300 था। इसका क्रैनियल कैपेसिटी थोड़ा सा इंक्रीज किया, ठीक है ना। मोर मैन लाइक, इसकी सबसे खास बात क्या है कि रामापिथेकस वो डायरेक्ट एंसेस्टर मैन का, तो ये मोर मैन लाइक था। रामापिथेकस दो वर्ड से लिखा गया है, रामा मीन्स भगवान राम को आप जान ही रहे हो, और पिथेकस मीन्स एप, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, डिस्कवर्ड बाई शिवालिक हिल्स इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के ये शिवालिक की पहाड़ियों में ढूंढा गया था, ठीक है ना। अब इसकी खास बात क्या है कि च्यूड फ्रॉम साइड टू साइड, ये क्या है, साइड टू साइड से च्यू करता था, ओके। और साथ ही साथ क्या है कि स्पेशली हैड वेरी शॉर्ट मसल, इनका बॉडी जो है थोड़ा फेरी था। शिवापिथेकस का बहुत ज्यादा, ड्रायो का तो बहुत ही ज्यादा हेयरी था, बाल वाला था, इसलिए वो एप्लाइक था। इसका थोड़ा सा फेरी बाल वाले जो स्ट्रक्चर कम होंगे, शॉर्ट मसल। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो हिस्सा था वो शिवा का और क्या बोलते हैं ड्रायो का और भी ज्यादा ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ था, लेकिन अब ये कम हो रहा है। मजल का मतलब समझ गए आप लोग ना, मजल माने ये खोबड़ा जिसको बोलते हैं, मुंह जो निकला हुआ नथुना, ठीक है ना। तो शॉर्ट इनमें मजल है, ठीक है। डायरेक्ट लाइन ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, ये इवोल्यूशन का, ह्यूमन इवोल्यूशन का डायरेक्ट लाइन है, ठीक है। यानी इंसानों की उत्पत्ति यहीं से आगे बढ़ती चली गई है। रामापिथेकस ये आपको लिखना है अगर ऑप्शन में आएगा तो। स्मॉल कनाइन, इनके कनाइन काफी स्मॉल हैं, ठीक है ना, और इनके जो मोलर टीथ जो है काफी फ्लैटेंड है, जो ये प्रूफ कर रहे हैं कि ये स्पेशली सीड्स और नट को खाते थे। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, पार्शियल अपराइट, ये पूरी तरह से अभी सीधे होकर नहीं चलते थे, ये अभी भी थोड़े टेढ़े होकर या झुक करके चलते। नेक्स्ट है बच्चा लोग आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस। जरा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली जो ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस और शिवापिथेकस था, उसको हम लोग एप मैन बोल रहे थे, ठीक है। लेकिन अब हम क्या बोलेंगे, एप मैन इंक्लूडिंग प्री हिस्टोरिक मैन, यानी ये एप मैन तो है लेकिन साथ ही साथ इसमें मैन वाले भी कैरेक्टर आने लगे हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जरा ध्यान दीजिएगा, इसके फॉसिल्स को रेमंड डॉल्ट ने डिस्कवर किया था, ठीक है। सबसे अच्छी बात क्या है कि इसका जो क्रैनियल कैपेसिटी है 350 से लेकर 400 सीसी तक है, कुछ बुक्स में 500 सीसी भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। इनको टुआंग बेबी भी कहते थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, टुआंग बेबी, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर इनका था, मैंने एक एज्यूमनरी स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है ना, टुआंग बेबी। अभी जरा ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट बाइपेडल मैन, ये पहला बाइपेडल मैन है, ठीक है ना, पैरों पे चलने वाला, फर्स्ट बाइपेडल मैन, ओके। वॉक अपराइट, ज्यादातर सीधा चलता था, ह्यूमन लाइक, ओके। 3.5 से 5 फीट तक इनकी लंबाई होती थी, ठीक है ना। ओमनीवोर्स थे, ठीक है ना, ओमनीवोर्स थे, कुछ किताबों में हर्बी भी लिखा हुआ है। यूज्ड बोन फॉर हंटिंग, ये स्पेशली बोन और स्टोन का यूज करते थे शिकार के लिए। इनकी सबसे खास बात मैं आपको बताऊं, इनके जो दांत थे वो ह्यूमन जैसे थे, लेकिन इनका जो ब्रेन था वो स्पेशली एप जैसा था। इनका जो दांत है वो ह्यूमन जैसा होगा, लेकिन इनका जो ब्रेन था वो एप जैसा था। ये ज्यादातर गुफाओं में रहते थे। हैविंग ब्रोज रिज, अब सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, इसके पहले ब्रोज रिज नहीं था, ये उभार नहीं था, चाहे वो ड्रायो हो, रामा हो, शिवा हो, पिथेकस, उनमें ये नहीं था, इनमें ब्रोज रिज आ गया है, ये हिस्सा आ गया है, ये जो इंसानों जैसा कैरेक्टर आने लगा है, ठीक है ना। हैविंग लंबर कर्व, जहां ध्यान दीजिए, लंबर कर्व, ये जो पीठ है ना, पीठ वाली हड्डी, इसमें कर्व होना चाहिए। जैसे मैं अगर यहां पर बनाकर आपको दिखाने की कोशिश करूं, तो ये पीठ वाली हड्डी में हल्का सा ये कर्व होता है ना, लंबर कर्व, ऐसे ए ऐसा, तो ये कर्व इनमें होगा। अगली बार जरा ध्यान दीजिएगा, नो चिन, इनमें ये ठुड्डी नहीं था, देखो कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, तो इनमें चिन्स नहीं थे। इसके लगभग 6 स्पीसीज देखे गए, इनकी 6 वेराइटियां खोजी गई हैं, जिसमें एक नाम मैं आपको लेना चाहूंगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रेंसिस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रेंसिस, जिसको लूसी भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये क्या है, फीमेल अफ्रीकन एप मैन थी लूसी, इसका जो है बोन ढूंढा गया था, स्पीसीज फॉसिल्स रिकॉर्ड में देखा गया था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस
एफ्रेंसिस, इसको बेटा लोग लूसी भी कहते हैं जी। बेटा नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे होमो हैबिलिस, जरा ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर में बहुत बढ़िया नहीं बना पाया हूं, उसके लिए कष्ट खेद है। होमो हैबिलिस का जो फॉसिल्स था उसको डिस्कवर किया था स्पेशली लिकी है, ठीक है। स्पेशली इनका जो क्रैनियल कैपेसिटी था वो 600 से लेके 800 सीसी तक था, ये प्रॉक्स आप लोग रखिए दिमाग में, 600 से लेके 800। ये आपको नहीं भूलना है कि इनको स्पेशली हैंडीमैन या स्पेशली टूल मेकर मैन या नट क्रैकर मैन बोलते थे, मतलब ये टूल्स का बड़ा ज्यादा यूज करते थे बेटा लोग, ठीक है ना। स्पेशली ये स्टोन्स की मदद से हंटिंग करते थे, लेकिन ये टूल्स मेकिंग ज्यादा करते थे। ये लगभग 1.2 से 1.5 मीटर तक टॉल थे, ये फुल्ली इरेक्ट थे, लगभग कह सकते हो बाइपेडल लोकोमोशन, दो पैरों पे अच्छे से चलने लगे थे, मोर इरेक्ट, ज्यादा इरेक्ट थे। टिथ मोर लाइक मॉडर्न मैन, आज हमारा जैसा टिथ है वैसा ही टिथ इनका है, देख लीजिए ये किसी यंग आदमी का, बूढ़ों का, मनई का टिथ आपको दिख रहा है, ठीक है ना। लीड कम्युनिटी, अब क्या है ना इनमें धीरे धीरे सोशलनेस आने लगे, ये सामाजिक होने लगे, ठीक है ना, ये कम्युनिटी को लीड करने लगे। और खास बात क्या थी, ये लाइव इन केव्स, गुफाओं में रहते थे। और इनकी सबसे अच्छी खास बात मैं आपको बता दूं बेटा, ये लोग अपने इनमें पेरेंटल केयर देखने को मिलता था, यानी अपने बच्चों की अब देखभाल करना, बहुत अच्छे से जो देखभाल होता है ना पेरेंटल केयर, पालन पोषण वो करते थे। डिड नॉट ईट मीट, और ये स्पेशली मीट का सेवन नहीं करते थे।